सो गाइस अब ये दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं शादी के लिए। तो गाइज अब यहाँ पे मंडप जो है वो सेट हो रहा है दुल्हा दुल्हन की शादी के लिए। क्या कर रहे हो? धुला नहीं हूँ, सुखा रहा हूँ। तो गाइज बहुत कोशिश की, मतलब कि इनके पापा का मन है कि ये वाला ही ड्रेस पहन के जाए बाबू। मैंने एक वो भी निकाल के रखा था ब्लू, बट ये ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए कह रहे थे। तो मैंने धो दिया था और पंखा चला के आई थी कि सूख जाएगा, तब तक किसी ने पंखा बंद कर दिया। वेलकम बैक टू माई चैनल कामनी सिंह, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया, तो कभी घर में, कभी बाहर, कभी यहाँ, कभी वहाँ शादियाँ लगी रहेंगी, कभी फ्रेंड तो कभी पड़ोसी, कभी रिश्तेदार तो कभी अपने घर में, तो ये सब शादियाँ तो लगी रहेंगी। सो आज भी हम जा रहे हैं एक शादी में, शादी है, बारात है आज ना, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बिल्कुल सिंपल सी रेडी। और यहाँ पे पतिदेव जी ये भी रेडी हो चुके हैं, आप लोग पार्टी में हमें देखोगे। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके से ऐसे रेडी हुई, क्यों? क्योंकि मैं वहाँ की गेस्ट हूँ, मेरे घर की शादी नहीं है, मैं गेस्ट हूँ। तो गेस्ट वाले मेकअप लुक लिया है मैंने, और पता है मेरे साथ क्या हो गया? बहुत मतलब ये वाला जो मेकअप है ये भी जाएगा मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे, मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। और मेरी जुबान थोड़ी लड़खड़ा रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इनको आने में ही लेट हो गया था। और ये देखिए मेरे साथ क्या हो, ये हमारे धनु जी रोते रोते सो गए, मेरा बच्चा दिन में नहीं सोया हुआ था और अभी थोड़ा सा ऐसे ही रो गया और सो गया, मना किया फिर भी सो गया, इसको नींद आ रही थी और इसको हम रेडी नहीं कर पाए। फिर मैंने इसका जो कोट पैंट है, सूज वगैरह जो भी, एक थैले में रख ले रहे हैं और गाड़ी में पहना देंगे। एंड ये देखिए ये है मेरी साड़ी, पूरी साड़ी आप लोगों को पार्टी में दिख जाएगी, दिखा देंगे ना। मास्क भी लेना पड़ेगा, फिर मेकअप का क्या होगा? तो अभी तो थोड़ी देर चलो ले चलते हैं बाबू को उठा दो। ओके गाइस चलते हैं और आपको गाड़ी में मिलते हैं या शादी में। ओहो बताया नहीं किसकी शादी है जी, इनके फ्रेंड की शादी जो कि पिछले ब्लॉग में बताया था हमने, जिनकी मेहंदी में गए हुए थे। इसमें दूध लोगे क्या? नहीं वहीं से ले लेंगे, थोड़ा सा वो कॉफी वाले के पास से, जब जरूरत होगा तो, नहीं जरूरत तो होगा नहीं। हाँ चलो ठीक, उसको दूध दूध क्या जरूरत, उठ जाएगा तो दूध की जरूरत नहीं है, नहीं उठेगा तभी। लिफाफा मंगवाया था? ओहो लिफाफा तो मंगवाया नहीं, अभी मिल जाएगा। चलो लेते हुए चलते, जल्दी चलते, जल्दी चलो। पापा गए हैं अभी उधर, ठीक है ना, एटीएम गए हैं, तब तक ना हम पापा को सरप्राइज देंगे, पता है कैसे? आपको फटाफट ड्रेस चेंज कर देती हूँ, ओके? चलो भाई ये कोई भी सरप्राइज नहीं देंगे, कह रहे अभी नहीं चेंज करूँगा, वहाँ जाके करूँगा। ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बात मान लो। गाइस मैंने आवाज़ भी शक्ल भी नहीं जा रही है, मैंने इनको एक कैप पहनाई ब्लू कलर की, ये पहन लेंगे। तो कह रहे थे मैं कैप पहनते नहीं, कह रहे गर्मी हो रहा है निकाल दी। मैंने बोला मुझे गंजा दिखेगा, आपका टप उधर सामने देखो रखा, तो कह रहे मुझे गंज, क्या बोला आपने? गंजू में जांच कर लूंगा, पापा खुद ने चलो ठीक है बताया, गंजू लग रहा है, चलो कोई बात नहीं।
सो गाइस होटल में तो एंट्री कर चुके हैं और बाहर से घूम के भी आ गए हैं, दूल्हे राजा से भी मिल के आ गए हैं। हमें पहले लगा था कि शायद हम बहुत लेट हो गए, लेकिन कुछ भी लेट नहीं है। अभी तो फोटो शूट हो रहा है दूल्हे राजा का, है ना बेटा? आपकी भी फोटो खिंचाई। ओ इधर कहाँ जा रहे हो, मुझे लगा आप मेरे ये देखो इधर इस पर नहीं चढ़ते, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। और पतिदेव जी यहाँ पे लिफाफा पे नाम लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर से प्यारा सा लिफाफा है ये। और कुछ दादी तो बहुत अच्छी है। अभी चलते हैं और एक रील भी बना लेते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं, फिर दुल्हन की एंट्री होगी वो भी दिखाएंगे आपको, जयमाला भी दिखाएंगे, उसके बाद खाना पीना खा के तब निकलेंगे यहाँ से। अभी गेस्ट आए हैं वहाँ के पति देव जी। अरे यार बच्चे को और खुद भी कुछ खा रहा था, बच्चे का नाम भी लगा रहे हो, क्या बोलो ना खा रहा था, क्या बोल रहे हो, कम बजाए, हाँ क्या कह रहा था, कह रहा हूँ बच्चे का नाम भी लगा रहे हो, सारा हिसाब बोलो ना खाना खाने गया था। यहाँ पर जब दूल्हे के दोस्त और भाई ने उन्हें ऊपर उठा लिया, तो यहाँ पे इनकी जो लड़की हैं उनके घर से कोई आया, उन्होंने मना किया कि नहीं आप ऐसे मत करो, फिर कैसे माला डालेंगी। फिर जब वो नहीं माने तो दुल्हन अपना चुपचाप वहीं पे बैठ गई, कह रही कि मैं चुपचाप यहीं पे बैठ जाती, सच में माला ही नहीं डालूंगी, रहो ऊपर कब तक रहोगे। बहुत हंसी आई हमें इस पर। फिर उसके बाद वो नीचे आए और तब जाके वरमाला हुआ। हो गया और हम आ गए खाने पे। धनु जी के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या लेंगे प्लेट, क्या खाएंगे? बच्चे ये
भी करो। से बात कर रहे हैं ये जो दूल्हा शरीफ उनकी मम्मी है। और गाइस मैं सबसे ऑफ कैमरा ही मिली हूँ जिससे भी मिली हूँ क्योंकि उनकी फोन भी रिकॉर्ड करते हैं, हम दोनों तो एक साथ ही मिल रहे थे। जी अच्छा लगा आपको यहाँ के? हाँ। मजा आया? हाँ। और क्या क्या खाया आपने? हाँ। आपको तो खेलने को मिल रहे हैं। हाँ। हाँ। और आपने डांस तो किया नहीं गंजू में? कहाँ डांस किया आपने? ये यही बस हो गया हो गया हो गया। जमाल फोटो हो चुका है और उधर मेरी फोटो खींचोगे? कहाँ चलूँ? आपके साथ फोटो खींचोगे? तो पापा तो खाना खाने गए हैं। चलो आप पहले फोटो खींच लेते हैं। ये मुझे पकड़ के लाए कि मेरी यहाँ पे फोटो खींचो। कहाँ पे? यहाँ पे यहाँ खड़े होके? मुझे पता है आप घूमने के चक्कर में लगे हुए हो। हाँ यहाँ से फोटो खींचे? ठीक है। हाँ वहीं रहना। यहाँ में फोटो खींचे? बाबू पापा इधर है, इधर है, इधर इधर इधर। बाबू प्लेट लेने दो मम्मा को। सो गाइज अब यहाँ पे मंडप जो है वो सेट हो रहा है दुल्हा दुल्हन के शादी के लिए, बट अब हम चले जाएंगे। फोटो खिंचाओगे यहाँ पे? अब हम जाएंगे क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई और रात भी हो रही है। सो अब हम यहाँ से जाएंगे, शादी हम शायद नहीं देख पाएंगे। शायद क्या जा रहे हैं, लेट जाएंगे। मम्मी ने बोला था आप इससे बैठोगे। मम्मी ने बोला था टाइम से आ जाना। ठीक है आपकी फ़ोटो खींच दें। फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं? ठीक है घर के लिए निकल रहे हैं। धनु ने बहुत सारी मस्ती की है ना, और पतिदेव जी एक चीज मिस नहीं कर सकते थे, सो नहीं किया। बाबू आप ये दरवाजा बंद मत कर इधर। ओ फिर जो गप खोजो खोल के बना, मुझे इधर बंद कर दिया, मुझे इधर बंद कर दिया, मैं नहीं आऊंगी। आवाज आ चल मीठा से मन नहीं करता इनका। मीठा 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 ठंड लग रही है। सो गाइज अब ये दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं शादी के लिए मंडप में। बहुत मजा। सॉरी खाने पे जा रहे हैं, मुझे लगा मंडप में शादी के लिए जा रहे हैं। सो गाइज ये नीचे रह गया है, पार्टी निकलने वाले हैं। तो गाइज अब ब्लॉग का जो एंड है मैं यहीं पे कर रही हूँ।
घर पे, अब क्योंकि रात हुई घर पे जाकर कुछ नहीं कर पाऊँगी, जाते जाते सबसे पहले मुझे कपड़ा चेंज करना होगा। और उससे पहले सोचा कि ब्लॉग का जो एंड यहीं पे कर देती हूँ और बता देती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मस्ती तो हमने बहुत ज़्यादा की, उनको भी बुलाती हूँ कि, बट हमारा कोई वीडियो जो था रिकॉर्ड करने वाला नहीं था। हाँ, तो फिर जो भी हम पार्ट शूट कर पाए वो आपके साथ शेयर किए। बाबू उधर मत जा, उसको इसको दिखाने करके आ रहे हैं। हर जगह का दरवाजा खोलने में बस लगे हुए, आ जाओ लग जाएगी आपको जो। तो हमने मस्ती बहुत सारी की, फिर से रिप्लाई बार बार वही बात कह रही हूँ। हाँ, लेकिन मतलब वही कोई सूट करने वाला नहीं था, इस चीज़ का ही अफसोस रहा। बट जो पार्ट दिखा पाए वो हमने दिखाने की कोशिश की और दिखा। और अब हम जा रहे हैं घर और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। 12 बज गए, 12। चलो जी, 12 बज गए, आपकी गाड़ी आ गई। बेटा चलो 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 बाबू, चलो चलो चलो। ठंड लग रही है। अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।